हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी भारद्वाज आज आपको बताऊंगी कि वास्तु के अनुसार हमारे घर में शौचालय यानी कि टॉयलेट, स्नान घर यानी कि बाथरूम वास्तु के अनुसार किस दिशा में होना चाहिए। यह हमारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स जो स्नान घर में वास्तु के दोषों को दूर कर सके, क्योंकि बाथरूम ही ऐसी दिशा है जहाँ हम सुबह स्नान करने के पश्चात अपनी सभी नकारात्मकताओं को दूर करके ताजगी का अनुभव करते हैं। घर में सभी कमरों के अनुसार शौचालय का और बाथरूम का भी वास्तु के अनुरूप अगर दोषों को दूर कर दिया जाए, वास्तु के अनुसार हमारे घर में सभी कमरों की तरह बाथरूम और टॉयलेट भी अगर वास्तु के अनुसार सही हो जाए तो हम कई मानसिक परेशानियों से निजात पा सकते हैं और खुद को तरोताजा महसूस करके अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर सकते। तो आइए हम जानते हैं कि किस दिशा में बाथरूम और टॉयलेट होने से वास्तु दोष से हम मुक्त रह सकते हैं। घर में बाथरूम के लिए सबसे अच्छी दिशा पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा होती है। शौचालय की प्रमुख दिशा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के मध्य होनी चाहिए। शौचालय के लिए मुख्य दिशा दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा होती है। उत्तर, उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व, इन दिशाओं में शौचालय बहुत नुकसानदायक होता है। यहाँ शौचालय होने से मानसिक तनाव, अवसाद, चिड़चिड़ापन, कैंसर और भ्रम जैसा माहौल बना रहता है। दक्षिण दिशा में शौचालय होने से व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि के लिए ही परेशान रहता है। दक्षिण पूर्व में बना शौचालय जीवन में बाधाएं लाता है या पैसा आने में भी रुकावट रहती है। पूर्व दक्षिण पूर्व में शौचालय हमेशा तनाव देता रहता है। पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर टॉयलेट है तो बच्चे का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। वह जब भी पढ़ने बैठेगा कुछ ना कुछ भूल जाएगा और पढ़ा लिखा उसे याद ही नहीं रहेगा, उसकी याददाश्त भी कमजोर हो जाएगी। उत्तर पश्चिम दिशा में टॉयलेट होने से हमें सपोर्ट नहीं मिल पाती। अगर हमें लोन लेना है तो वह भी नहीं मिल पाएगा। हमें दूसरे लोगों से सहायता भी नहीं प्राप्त होती। बाथरूम में अगर कपड़े धोने की मशीन रखनी है तो वह पूर्व दक्षिण पूर्व या पश्चिम उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम में ही रखें। उत्तर में रखी हुई वॉशिंग मशीन व्यवसाय के लिए चिंता बढ़ा देती है, नए अवसरों को रोकती है। दक्षिण दिशा में रखी हुई मशीन रातों की नींद उड़ा देती है। पश्चिम दिशा में रखी हुई मशीन व्यक्ति की बहुत उम्मीदें बढ़ा देती हैं। बाथ टब को हम पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। बाथरूम के अंदर अगर उत्तर, ईशान या पूर्व में खिड़की बनी हो तो बाथरूम में हमेशा ताजगी भरी हवा का ही एहसास रहता है। रंगों का चुनाव करते हुए हम अपने बाथरूम को कैसे छोड़ सकते हैं, देखिए कौन से रंग से हमारे बाथरूम का वास्तु दोष दूर हो सकता है। बाथरूम में सफेद, ग्रे, हल्का गुलाबी, हल्का नीला या हरा रंग होना चाहिए। टाइलों का रंग भी इन्हीं रंगों से मिलता होना चाहिए। लाल और काले रंग की टाइलें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने जाना कि वास्तु के अनुसार बाथरूम और टॉयलेट किस दिशा में होना चाहिए और छोटे छोटे टिप्स भी जाने कि बाथरूम में किस रंग से हम वास्तु दोषों से निजात पा सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम। हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन का बटन तो अवश्य दबाइए। नमस्कार।